नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को बड़ा झटका लगा और 432 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद भी एक सीटें नहीं निकाल पाई। लेकिन अब आकाश आनंद की एंट्री होने से माना ही जा रहा है कि मायावती को इस बार के उपचुनाव में सीटों में इजाफा देखने को मिल सकता है या विधानसभा चुनाव को फिर से साधा जा सकता है। जी, आपको बता दें, अब चंद्रशेखर आजाद की तरह कहीं ना कहीं आकाश आनंद भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार समाज के उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बसती हुई नजर आई है। और अब आकाश आनंद के अंदाज थोड़े बदल गए हैं, बट जो तेवर हैं, जो बात कहने का स्टाइल है, अभी भी पुराना है। और वो जाते हैं गाजियाबाद की एक रैली में और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ इशारा करते हैं और कहीं ना कहीं उन पर हमला बोलते हैं और शिक्षा नीति को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं और काफी सारी योजना भी बताते हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो 7500 रुपए पेंशन देंगे और फिर महिलाओं को गैस सिलेंडर देंगे और फिर बच्चों को फ्री शिक्षा और फ्री खाना और फ्री बिजली पानी, ये सब की सुविधाएं देते हुए नजर आएंगे। अब कहीं ना कहीं यही बात अब अखिलेश यादव भी फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद देखा जाए तो ऐसे कोई वादे नहीं करते हैं लेकिन जनता की समस्याओं को कहीं ना कहीं सुनते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आकाश आनंद का फिर से पुराना अंदाज देखने को मिल रहा है लेकिन इस बार विवादों से थोड़ा बच के वो बयान देते हुए नजर आए, काफी सॉफ्ट रहे और बहुत कम समय तक उन्होंने ये स्पीच दी। पहले आप उनके स्पीच सुनिए कि क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं आकाश आनंद। मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो भी उसी दिल और तमन्ना से आप लोगों के लिए काम करेंगे। साथियों, अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड उठाएं भाजपा का, तो यहां पर रोजगार के नाम पर आज भी 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। इतना काम किया है बीजेपी ने कि यहाँ पे 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। और ऐसा नहीं कि ये लोग रोजगार नहीं दे सकते हमारे युवा बच्चों को। आज अगर आप सरकारी रिकॉर्ड उठाएं तो आज भी 2,00,000 से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। 2,00,000 से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। एक तरफ 40% युवा रोजगार मांग रहा है और ये लोग वो 2,00,000 पद भरने को तैयार नहीं, परंतु वो पद भरने की बजाय ये लोग क्या करते हैं, कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चला रहे हैं। पक्की नौकरियों देने की वजह ये कॉन्ट्रैक्चुअल यानी अस्थायी नौकरियां भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत जो पक्की नौकरियों में आरक्षण मिलने की व्यवस्था तय की गई है वो आप लोगों को ना मिल सके, उस पद पे ये लोग चल रहे हैं, उस रास्ते ये लोग चल रहे हैं ताकि आपको आपके आरक्षण से दूर कर सके। साथियों, एक तरफ भाजपा की सरकार ऐसे काम कर रही है और दूसरी तरफ हमारे लोगों को गरीब बनाकर, कमजोर बनाकर हमारे लोगों को अंदर से खोखला कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस की सरकार भाजपा को इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ना घेर कर उनका एक तरीके से साथ दे रही है। साथियों, तो ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ डंडा मारता है तो दूसरी तरफ ताली बजाता है और पिसता है हमारा किसान, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा वर्ग। साथियों, समय आ गया है कि ऐसी सरकार को अब आप जड़ से उखाड़ फेंक, हमारे अभय सिंह चौटाला जी को सत्ता में बिठाकर अपना भविष्य सुरक्षित करने का। साथियों, दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये लोग हैं और दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 5 साल में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया था, 1,00,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार देने का काम किया, 2,00,000 से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती की और यही नहीं 30,00,000 से अधिक अपर कास्ट समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों देने का काम किया। साथियों, यही नहीं बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन किया था और हमारे पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को 3,00,000 रुपए से बढ़ाकर 5,00,000 रुपए करने का काम किया। और यही नहीं बल्कि हमारे गन्ना खरीदी के दाम भी रातों रात दुगने कर दिए गए थे। साथियों, बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत चलकर ही बसपा की सरकार ने प्रदेश के सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया था। जिस तरीके से यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनकर आप सभी वर्गों के लोगों का पूरा पूरा ध्यान रखकर आपको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाएंगे। साथियों, बात महंगाई की करें तो इनकी सिर्फ एक ही स्कीम आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा।
भाजपा की सरकार के चलते हुए आज ये लोग बोलते हैं कि हमने मुफ्त में राशन देने का काम किया है। तो साथियों, आज वो कहते हैं कि वो 80 करोड़ से ज्यादा जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करेंगे। केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार बड़े चौड़कर बोलती है, अरे मित्रों, आज बीजेपी की सरकार 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है। परंतु ये नहीं समझ आता इन लोगों को कि अगर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हो, तो मतलब आपने उन 80 करोड़ की जनता को गरीबी में धकेलने का काम किया है। परंतु साथियों, अगर ये लोग अपना वादा पूरा करते जो 2014 में किया था कि 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का, तो इन्हें शायद ये मुफ्त में राशन देना नहीं पड़ता। ये तो बात दूर, मुफ्त में राशन देकर ये जो टैक्स पेयर्स का साल का 2 लाख करोड़ रुपया इस राशन पे खर्चने वाले हैं, वो भी आप लोगों की जेब से निकलने वाला है। साथियों, वो भी आपकी जेब से निकलने वाला है। एक तरफ ये लोग आपको टैक्स के माध्यम से चूसते हैं, दूसरी तरफ वो टैक्स का पैसा राशन पे उड़ाते हैं। अगर ये पैसा रोजगार जनरेट करने में करते तो साथियों, आज यहाँ पर 2 लाख पद भरने के साथ साथ ये यहाँ पर 20 लाख रोजगार भी दे सकते थे। परंतु इन्होंने वो काम कुछ नहीं किए, इन्होंने बस आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मुफ्त में राशन देने का काम किया है। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ मैं आप सभी से आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ये विशेष अपील है कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका कोई वोट खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट पढ़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसा कर आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि देश के हर महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। साथियों, मैं आप सभी लोगों से ये खास अपील करता हूँ कि अपने यहाँ जिन जिन क्षेत्रों में BSP और NLO के विधानसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें आप लोग वोटिंग मशीन पर बसपा का हाथी चुनाव चिन्ह और NLO का चश्मा चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर भारी मतों से जिताकर और अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। तो देखा आपने किस तरीके से आकाश आनंद ने अब पार्टी की कमान संभाल ली है। अब देखना यही होगा कि क्या मायावती अब उनको किसी भी तरीके का भरोसा उनके ऊपर जता पाएंगी, या फिर जिस तरीके से बच कर वो बयानबाजी कर रहे हैं और समाज के उन छोटे छोटे मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वही अंदाज, वही तेवर और वही बोलने का तरीका अगर उनके ऊपर फिर से भारी पड़ गया तो क्या कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया जाएगा या फिर नया कोऑर्डिनेटर मायावती ने ढूंढना चालू कर दिया। इस तरीके की जो कवायदे हैं फिर से चालू हो गई है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो आकाश आनंद युवा हैं और जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, दमदारी से बात रखते हैं, कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी को वो बड़ा अच्छा मुकाम दिला सकते हैं, क्योंकि अब मायावती भी जिस तरीके से एक्टिव नजर आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाती हैं, तमाम ऐसे मुद्दा उठाती हैं और भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को घेरती हैं कि गलत नीतियों की वजह से आज तक वो सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते, जनता को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए हैं और गलत नीतियों का फायदा उठाया है। इस तरीके की बात मायावती कहती हैं और आरक्षण का मुद्दा उठाती हैं, आरक्षण के लिए भी आवाज उठाते हुए नजर आती हैं कि इन लोगों ने देश को बेच दिया है, 90% जो आबादी है वो कहीं ना कहीं आरक्षण के लिए अभी भी मजबूर है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर नहीं है, इस तरीके की बात मायावती कहती हैं। तो ऐसे में अगर समझा जाए कहीं ना कहीं इस बार का जो समीकरण बन रहा है वो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस बार आरक्षण का मुद्दा, जातीय जनगणना का मुद्दा कहीं ना कहीं मायावती उठाते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसका कितना लाभ मिलेगा, क्या शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी ये तमाम मुद्दे नहीं है, मायावती इस पर भी अगर बोलती है तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद के लिए फायदेमंद होगा और आजाद भी इन्हीं मुद्दों को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक में ही जाकर देखने को मिल सकता है। अगर दोनों पार्टियां गठबंधन में आ जाती है तो जाहिर तौर पर मायावती को फिर हरा पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन आजाद रावण ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। तो ऐसे में गठबंधन नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर एक दूसरे का वोट काटते हुए नजर आएंगे और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी को हो सकता है। फिलहाल देखना होगा 2027 में क्या समीकरण बन रहे हैं ये दोनों पार्टी, चाहे आजाद हो आकाश में दोनों एक साथ आएंगे या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पर।